नमस्कार साथियों, दुष्टा भार्या षठम मित्रम वृत्तेश्चो त्रगदायक है, सह सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय है। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली दुराचारिणी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंह है फट नौकर, और ऐसे घर में निवास जहाँ सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान है। जिस घर में दुष्ट स्त्रियाँ होती हैं, वहाँ गृहस्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर कूटते हुए वह मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान है। इसी प्रकार जहां सांप का वास हो, वहां रहना भी खतरनाक है, न जाने कब सर्प डस का शिकार होना पड़ जाए। अपदर्थे धनम रक्षे श्रीमताम कुत आपदः कदाचि चलिता लक्ष्मी ही संचितो अपि विनिश्यत। अर्थात आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुष के पास विपत्ति का क्या काम, और फिर लक्ष्मी तो चंचल है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आपत्ति काल के लिए धन का संग्रह करे, लेकिन धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वे यह नहीं जानते कि लक्ष्मी भी चंचल है, किसी भी समय वह मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। धन्यवाद साथियों। ध्यायेतु विशान पूष संगस्ते उपजायते संगात संजायते काम है कामात क्रोधा अभिजायते। यानी कि ईर्ष्या के मारे हर मनुष्य किसी भी विषय के आकर्षण और मोह में फंसकर सोते जागते निरंतर उसी का चिंतन करते रहते हैं, जैसे किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है जो जागते हुए उसी की कल्पना और सोते हुए उसी के सपने भी देखता है। इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम और वासना में थोड़ी सी रुकावट आने से क्रोध का आगमन हो जाता है। जहां क्रोध है वहां सम्मोह है, अविचार अथवा अविवेक भी है। जिस प्रकार प्रचंड वायु के झोंके से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति है वो नष्ट हो जाती है, और जब स्मृति भ्रंश हो जाती है तब बुद्धि नाश होने में कितना समय लगता है कि चैतन्य का नाश होने पर जो दशा शरीर की होती है, ठीक उसी प्रकार की दशा बुद्धि का नाश होने में मनुष्य की हो जाती है। बुद्धि नाश के कारण ही मनुष्य का ही सर्वनाश हो जाता है, और ये श्लोक में बताया है श्रीमद्भगवद्गीता में, और श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन ने। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।